बीजेपी के चुनाव प्रचार से गायब वसुंधरा राजे, सीएम गहलोत संग आई नजर, बड़ी हलचल। राजस्थान चुनाव से पहले सामने आई एक तस्वीर ने वहां राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। एक कार्यक्रम के मौके पर सीएम गहलोत और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे दोनों साथ दिखे। तस्वीर सामने आने के बाद वहां अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी के चुनाव प्रचार से भी दूर हैं और उन्होंने परिवर्तन यात्रा में भी हिस्सा नहीं लिया। राजस्थान में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है और आने वाले दिनों में वहां चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। हालांकि इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे साथ में नजर आ रही है। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एलओपी राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है और आने वाले दिनों में पीएम मोदी की वहां रैली होनी है। लेकिन बीजेपी की लोकप्रिय चेहरा, दो बार की मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की इसमें सक्रियता क्यों दिखाई नहीं दे रही है? इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में राजस्थान बीजेपी में कोई नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनाव से दूर कर रखा है या वसुंधरा राजे खुद ही चुनाव से दूर है। वसुंधरा राजे ने अब तक बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं और विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मसले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है। यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि वसुंधरा राजे अपने इलाके झालावाड़ में भी नहीं पहुंची थी। ये सवाल अब बीजेपी के प्रचार में आने वाले नेताओं से पूछने का सिलसिला तेज हो गया है। सभी का जवाब एक जैसा होता है कि वसुंधरा राजे जी हमारी बड़ी नेता और वो पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय हैं।